मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए कल। हाँ बोलो दिनेश जीवन, क्या कह रहे हो? चलें आगे। ओके, कल देखिए, जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी एक ईएमएफ इक्वेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की भी डेरिवेशन करवाई थी, और उससे पहले यस्टरडे परसों की क्लास के अंदर मैंने आपको कॉइल फैक्टर या पिच फैक्टर के बारे में आपको बताया था। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो है ना, पिच फैक्टर, कॉइल फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन तीनों चीज़ों को लेके एक ही न्यूमेरिकल मैंने डाल दिया है उसके अंदर। तो एक ही न्यूमेरिकल के अंदर तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल तो आसान है बिल्कुल, तो ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन के अंदर भी यदि आएगा तो आप लोगों के। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? एक थ्री फेज 16 पोल, ये 16P लिखा हुआ था, पोल 16 है, ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है। देख लीजिए, वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग अलग होगा। डेरिवेशन जो आपको मैंने करवा रखी है वो आपको करवा रखी है फेज वोल्टेज की, पर फेज। जब लाइन वोल्टेज के लिए करेंगे तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई √3। इसमें 144 स्लॉट्स हैं, फ्लक्स पर पोल 0.03 है वेबर, तथा प्रत्येक स्लॉट में 10 चालक हैं। यदि रोटर 375 आरपीएम पर चल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी तथा फेज व लाइन वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कॉइल स्पान 1 से 8 है। ये जो कॉइल स्पान जो दे रखा है ना, दिस इज फॉर शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, एग्जाम के जब भी आए गिवन डेटा को लिख लीजिए। पी इक्वल टू 16, स्लॉट्स 144, फेज आपके 3, फ्लक्स की वैल्यू 0.03 वेबर, स्पीड दे रखी है एन इक्वल टू 375 आरपीएम, कंडक्टर पर स्लॉट, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर, 10, और कॉइल स्पान 1 से 8। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 16। टोटल स्लॉट कितने हैं, 144। तो स्लॉट्स पर पोल कितने होंगे, 9। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि फुल पिच कॉइल यदि होगी तो पहले स्लॉट से चालू होगी और दूसरा दूसरा सिरा कहाँ जाएगा, 10 नंबर पे जाएगा। तो फुल पिच कॉइल के लिए कॉइल स्पान कितना होगा, 1 से 10। ये दे कितना रखा है, 1 से 8। बोलो दिनेश, इसका मतलब दो स्लॉट से शॉर्ट कर दिया। ये देखिए फुल पिच स्पान 1 से 10 होगा, क्योंकि 9 है ना स्लॉट पर पोल, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 9 होगा। तो पहले से चालू होगी और तो अंतिम सिरा कहाँ जाएगा, 10 नंबर के ऊपर जाएगा। लेकिन दे कितना रखा है, 1 से 8। इट मीन्स द कॉइल हैज बीन शॉर्ट बाई 2 स्लॉट। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाले हम? कई बार तो एग्जामिनर क्या कहता है कि सीधा ही दे देता है कि जो शॉर्ट पिच कॉइल है ना वो 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे डिस्प्लेस्ड है। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें स्लॉट वो दे नहीं रखा तो कैसे निकाले? अरे तो भाई फुल पिच के लिए स्पान कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अरे 150 दे रखा है तो सीधी सी बात है अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। फुल पिच हमेशा 150 होगा, और अगर उसने एंगल ही दे रखा है स्लॉट की बजाय, जैसे 128 दे रखा है ना शॉर्ट पिच, उसकी बजाय वो दे देता है कि कॉइल स्पान 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। इट मींस कॉइल 30 डिग्री से शॉर्ट कर दी हमने। इसमें स्लॉट दे रखे हैं तो स्लॉट से निकाल लीजिए। ये 9 महत्वपूर्ण है, दो स्लॉट के बीच में एंगल कितना होगा। अब देखिए अल्फा निकालना है ना, कितने से शॉर्ट किया, 2 से। तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा कि फुल पिच स्पान 1 से 10, शॉर्ट पिच 8, तो कितने से शॉर्ट किया, 2 से शॉर्ट कर दिया। तो 2 अपॉन ये स्लॉट पर पोल 9 × 180 डिग्री, ये आपके अल्फा आ जाएगा। ये 9 है ना, तो सीधी सी बात है हर स्लॉट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 9, 20 डिग्री। दो स्लॉट से शॉर्ट कर दिया, 40 डिग्री। सो एल्फा इक्वल्स टू 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो केपी इक्वल टू कॉस 40/2 इक्वल टू कॉस 20 इक्वल टू 0.94। ये आपके केपी की वैल्यू आ गई, पिच फैक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दिस इज अल्फा आ गया,
40 डिग्री, और के पी आ गया कॉस अल्फा बाई टू, कॉस 20 0.94। अब इसने एक और चीज़ पूछी थी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, तो एन बराबर था 120 एफ अपॉन पी, तो एफ बराबर हो जाएगा पी एन अपॉन 120। पी कितना है 16, एन कितना 375, आरपीएम में ही रखना है इसको, और ये 120 इसको सोल्व कर लीजिए 50 हर्ट्ज, दिस इज 50 हर्ट्ज है ये। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा, के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू अपॉन एम साइन बीटा बाई टू। बट व्हाट इज बीटा, बीटा इज 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल कितने हैं 9, तो बीटा कैसे निकल जाएगा 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, तो बीटा अपॉन बीटा इक्वल टू 180 अपॉन 9 20 डिग्री। तो ये सेम ही चीज़ है, ये दो स्लॉट के बीच का जो एंगल है ना, वो यहाँ पे 20 आया था, यहाँ पे 20 ही आएगा, वो तो ऑब्वियसली दो से शॉर्ट कर दिया 40 हो गया, सो बीटा इज 20। नाउ व्हाट इज एम, एम इज स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल कितने आए थे 9, तो स्लॉट पर पोल पर फेज 3 फेज है 3। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको, इट मीन्स कि हर पोल के अंडर में वाइंडिंग तो है आपकी, हर पोल के अंडर में कितने स्लॉट आ रहे हैं 9 स्लॉट आ रहे हैं, ठीक है, और एक फेज की वाइंडिंग कितने स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी 3 स्लॉट के अंदर, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट आर फेज, फिर चौथा पांचवा छठा स्लॉट वाई फेज, फिर सातवां आठवां नवां बी फेज फॉर अंडर एन पोल। अब एस पोल के अंदर भी ऐसे होगा, 9 स्लॉट होंगे, तीनों फेज की वाइंडिंग तीन 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 में होगी, फिर यदि अगला पोल है तो अगले में इस तरह से होंगे। तो पूरी जो वाइंडिंग होती है ना, वो पूरी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर, एक ही स्लॉट के अंदर पूरी वाइंडिंग नहीं रखी जाती, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बीटा निकाल लीजिए और एम निकाल लीजिए, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एम एंड बीटा हेयर। ठीक है, तो के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू, एम इज 3, बीटा इज 20, तो 3 इंटू 20 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई टू, एम इज 3, बीटा इज 20, तो 3 साइन 20 बाई टू। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया 0.96। सो दिस इज योअर के डी और वो आपके के सी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए टोटल कंडक्टर पर फेज। देखिए हमने वोल्टेज जो होगा पर फेज होगा, तो टोटल कंडक्टर पर फेज ही निकालने हैं। आप टोटल स्लॉट कितने दे रखे हैं 144, हर स्लॉट में कितने कंडक्टर रखे हैं अपन ने 10, तो टोटल कंडक्टर कितने हो गए 10 इंटू 144, वेरी सिंपल। और हर फेज का कंडक्टर कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 480 हो गए, जेड की वैल्यू होगी 480, कंडक्टर की वैल्यू 480 है। अब ये फार्मूला आया था ई इक्वल टू 4 लव विद क्वांटिटी। अच्छा ये गूगल शीट है, अब यार ये पहले उनसे लिया तो था कि क्या क्या सामान चाहिए, इसमें जब लेटर भेजा था ना तो फाइल, इस फाइल में देखो ना यार, अरे वो तो ठीक है, अरे अपने डिपार्टमेंट में पूछा था यहाँ पे किस क्या, या गौतम जी फोन करके पूछो क्लास स्मार्ट क्लास में क्या क्या आइटम चाहिए हो तो, हाँ गौतम जी से, राशा जी से, दोनों से पूछ लो। ठीक है भैया, चले आगे, चले आगे, आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी, सबको मैंने अनम्यूट कर रखा है, आ रही ना आवाज, हाँ बोलो रविंदर। तो देखिए ई इक्वल टू 4 के डी
सी के एफ एफ फाइव टी, ये फार्मूला हमारा इक्वल टू 4 के डी के सी के एफ एफ फाइव टी। जड़ कितना है 480, टोटल कंडक्टर कितने हैं 480, तो टी का मान कितना हो जाएगा जेड बराबर 2 टी, तो टी बराबर जेड अपॉन 2, ये जेड अपॉन 2 आ गया 480 अपॉन 2 के 4 के डी। बोलो दिनेश, के डी 0.96 निकाल लिया अपन ने, के पी 0.94 निकाल लिया अपन ने, के एफ 1.11 रहेगा हर केस के अंदर न्यूमेरिकल में जब तक कि वो स्पेसिफाइड नहीं करे, क्योंकि साइन वेव ही होती है, दूसरी वेव के लिए न्यूमेरिकल नहीं देगा। तो 1.11 इंटू एफ 50 निकाला हमने, फ्लक्स पर पोल 0.03 दे रखा है, और जेड बराबर टी बराबर जेड अपॉन 2 480 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई बराबर आ जाएगा 1442 वोल्ट पर फेज, ये फेज वोल्टेज आएगा। अब क्योंकि स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है ये आपको, तो हमें लाइन वोल्टेज निकालना है, तो लाइन वोल्टेज हो जाएगा √3 इंटू फेज वोल्टेज, √3 इंटू 1442 इक्वल टू 2500 वोल्ट, ये लाइन वोल्टेज। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, अल्फा निकालना चाहिए आपको, इससे निकलेगा स्लॉट पर पोल से। आपको केयरफुली इस चीज़ को देखना है, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था कई न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होता है, सीधा कॉइल स्पान दे देगा 150 डिग्री 160 डिग्री, तो फुल पिच कॉइल के लिए स्पान होगा 180 डिग्री, और जितने डिग्री उसने दे रखे हैं 180 में से माइनस कर दो, वो अल्फा का मान आ जाएगा। जो 150 दे रखा है तो अल्फा 30 हो जाएगा, और 160 दे रखा तो अल्फा 20 हो जाएगा। फिर उसको अल्फा बाई 2 करके के पी का मान निकाल लीजिए, और के डी का मान निकालने के लिए साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, बीटा तो जितने स्लॉट्स 180 अपॉन स्लॉट पर पोल जो है वो निकाल लीजिए, और स्लॉट्स पर पोल पर फेज निकालेंगे तो एम आ जाएगा, उसे के डी आ जाएगा। उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की यह है कि जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स दे रखे हैं ना आपको टोटल निकालने हैं, 144 स्लॉट दे रखा है और 10 चालक दे रखा है हर स्लॉट में, तो टोटल कितना हो जाएगा 1440, बट ये टोटल तीनों फेज के होंगे, जो तो 3 फेज ऑल्टरनेटर है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पर फेज कंडक्टर की संख्या आ जाएगी या 480। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा आसानी से निकल जाएगा। डेल्टा कनेक्टेड है तो लाइन और फेज वोल्टेज सेम रहेगा, स्टार कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज को √3, फेज वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब बताइए क्या समझ में नहीं आया इस न्यूमेरिकल के अंदर, कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है ना, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, इससे टफ न्यूमेरिकल आपके आएगा नहीं। ठीक है लोकेश, तो सारी चीज़ें कर लीजिए जितना आपको मैंने बताया है, तो मैं आज की क्लास तो मैं बंद कर रहा हूँ बस। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।